Hey guys, namaste. It's your Kalash. Hey guys, namaste. It's your फाइनली आज मेरा बनने वाला है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे कि अब मैंने लास्ट ब्लॉग देखा था अबाउट अथॉरिटी जो मैंने डाला था, कुछ दिक्कत पड़ गई थी तो उसमें 6 मंथ्स का गैप आ गया, 4 to 5 मंथ्स का गैप आ गया। एंड आज फाइनली है मेरा परमानेंट लाइसेंस का टेस्ट, जिसमें कि मेरा 2-व्हीलर एंड 4-व्हीलर का टेस्ट है। सो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जाऊँगा स्कूटी पे एंड मॉम एंड डैड आएंगे कार लेके, क्योंकि उसका भी है जो ड्राइविंग टेस्ट है। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ जाके, मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर परमानेंट लाइसेंस। सो अभी हम लेट हो चुके हैं, हमारा 12 बजे का अपॉइंटमेंट है एंड राइट नाउ इट्स 10:30। सो फटाफट से निकलते हैं। हे मिकी, खोल डिकी। अच्छा। सो गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं, मम्मा एंड पापा आ रहे हैं कार पे, चले चलो। राइट नाउ आई एम एट जनकपुरी अथॉरिटी, ड्राइविंग टेस्ट अथॉरिटी। यू हैव टू कम एट काउंटर नंबर 11 फॉर द लाइक आपके पास ये पेपर होंगे ड्राइविंग टेस्ट के, ठीक है। यहाँ पे ये साइन करेंगे, बस आपको ये देना है, स्टैंप लगाएंगे, काउंटर नंबर 11 पे आना है, उसके बाद आपको सीधा जाना है टेस्ट के लिए। तो गाइस अब बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर कि आपने करना क्या है। देखो सबसे पहले आपके पास लर्निंग लाइसेंस का अप्रूव्ड आ जाएगा, लर्निंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा अप्रूव्ड। उसके बाद परमानेंट लाइसेंस अप्लाई करने के लिए किसी भी अपने नियर बाय साइबर कैफे या फिर जो भी आपके घर के पास है लाइसेंस अप्लाई के लिए, वहाँ चले जाओ। वो 400 रुपीज़ फीस लेंगे, अप्लाई करेंगे लाइसेंस, आपको डेट देंगे, आपसे पूछेंगे कौन सी डेट चाहिए, वो डेट मिलेगी, उस डेट का टाइमिंग्स पूछेंगे, टाइमिंग्स देंगे वो। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है अथॉरिटी, ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी, जो भी आपकी नियर बाय अथॉरिटी है वहाँ पे जाके, अगर आप जनकपुरी आते तो हेयर यू हैव टू कम एट काउंटर नंबर 11। काउंटर नंबर 11 पे आओगे, वहाँ पे आपको एक स्टैंप लगाएंगे, स्टैंप लगाने पर साइन करेंगे। एंड ये पिकार्डली होटल है जनकपुरी में, इसके साइड में होता है टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। अभी हमने स्कूटी तो खड़ी कर दी, अभी तक पापा नहीं आए, पहले पापा आ जाएं। और गाड़ी पे और स्कूटी पे एल लगाना इज नेसेसरी परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट के लिए। सो गाइज यहाँ पे आके आपको अपने पेपर्स दिखाने हैं एंड जैसे कि लाइन लगी हुई है स्कूटी की, यहाँ पे स्कूटी लगानी है एंड यहाँ पे कार लगानी है। इसके बाद होगा यहाँ पे आपका टेस्ट। आप जब भी अथॉरिटी वगैरह आते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह दिखेंगे, बहुत सारे लोग दिखेंगे आपसे पूछते हुए क्या काम है क्या करना है। किसी की मत सुनो, बस एक काउंटर है स्टार्टिंग में, वहाँ पे जाओ, वहाँ से पूछो व्हाट लाइक न्यू लाइसेंस अप्लाई करना है, तो वहाँ से पूछो मैं कौन से काउंटर पे जाऊँ, आपको काउंटर नंबर बताएंगे, सीधा उस पे जाओ। इन सब पे जाने का कोई फायदा नहीं, फालतू मनी वेस्ट है और कुछ नहीं। तो भाई पहले दे रहा है ये टेस्ट, सो लेट्स सी। जैसे आप देख सकते हो गाइज ये गाड़ी में एल लगा रहे हैं सबकी एंड इट्स नेसेसरी, जैसे मैंने बताया था। तो भाई गाड़ी का टेस्ट तो मैं पास कर चुका हूँ, ठीक है। फिलहाल अब है स्कूटी का टेस्ट, ओके। तो ये कब तक आ जाएगा? दोनों हो चुके हैं पास, सारे पेपर्स ले लेते हैं टेस्ट के बाद, ठीक है। जो स्कूटी के एंड कार के हैं वो पेपर्स अपने पास रख लेंगे एंड एक हफ्ते बाद या फिर 1.5 हफ्ते बाद आपका लाइसेंस जो है वो घर पे आ जाएगा। फिलहाल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट एंड कार में भी पास हो गया एंड स्कूटी में भी। एंड अब आप मना नहीं करोगे गाड़ी देने से, याद रखना। हंस क्या रहे हो? अब मैं लूँगा गाड़ी, सुन रहे हो ना, बस एक हफ्ता और फिर गाड़ी मेरी, आप अपनी नहीं ले लेना। ये मुझे नहीं ले देना, बोलो ना। अरे बोलो, वैसे तो बड़ा बोल रहे थे प्रैंक में, नहीं बोलो, अब बोलो, गाड़ी दोगे अब ये ध्यान रखना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये मुझे धक्के क्या मार रहे हो, चिटिंग मत करो, अब गाड़ी देने वाले हो? चलो ठीक है, अब गाड़ी मिल जाएगी भाई, अब आएंगे, अब सारे ब्लॉग गाड़ी में आने वाले हैं, स्कूटी का चक्कर खत्म। अजी जी हाँ, नहीं स्कूटी, सारे ब्लॉग सब गाड़ी में आने वाले हैं, स्कूटी का चक्कर खत्म जी। मम्मा दोनों टेस्ट पास हो चुके हैं, मुझे गाड़ी दोगे अगले हफ्ते? दोगे, याद रखना इस चीज़ का, अब नहीं मना करोगे? पापा ने तो हाँ कर दिया, अभी आपने बोला है, झूठ मत बोलो। अजी हाँ क्या होता है? मम्मा दोगे, मेरे को नहीं पता, अब बोलते रहो आप दोनों। अजी हाँ भाई, टेस्ट दिए हुए अभी सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है एंड मुझे लाइसेंस अप्रूव का, डीएल अप्रूव का मैसेज भी आ गया, तो मतलब 1 वीक में घर में लाइसेंस आ जाएगा। जब मैंने अपना फर्स्ट वाला व्लॉग डाला था, मैं लर्निंग लाइसेंस वाला, उसके बाद मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने मतलब पूछा मेरे से कि लाइसेंस कैसे बनवाएं भाई, लाइसेंस का बताइए, बताओ बताओ, काफ़ी लोगों का कॉल आया लाइसेंस के लिए। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो कर सकते कर दो, मेरे को करो इंस्टाग्राम पे फॉलो, लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पापा को करो, मम्मा को करो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस नमस्ते। It's your Kalash.